नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक स्पेशल सेशन में आज, जिसका नाम है SIP की कथा। तो आज हम लोग कुछ स्टोरीज या कहानियों या कथाओं के माध्यम से समझेंगे SIP के बारे में, उसके फायदे के बारे में, उनको करने के तरीके के बारे में, या जो भी शंकाएं आपकी हैं, मैं कोशिश करूंगा आप सभी को उन कहानियों के माध्यम से उनके जवाब देने का। तो वेलकम टू दिस सेशन वंस अगेन। मेरा नाम कुलभूषण है, आई होप मेरा स्क्रीन सभी को दिख रहा है। सो माय नेम इज कुलभूषण अंधवानी, मैं NJ वेल्थ में नेशनल सेल्स हेड की तरह काम करता हूँ। तो आज ये छोटे से सेशन में स्टार्ट करते हैं हम लोग SIP की कुछ कथाएं। आई होप कि मेरा स्क्रीन आप सभी को विजिबल है। तो SIP शायद आप सभी ने सुना होगा। SIP मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो हम लोग इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में करते हैं। उसको सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के अलावा आप एक बहुत ही एक सिंपल तरीके से समझे तो एक सिंपल इन्वेस्टमेंट प्लान भी बोल सकते हैं। तो SIP का फुल फॉर्म सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, पर आप उसको एक सिंपल रॉबस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान समझ सकते हैं, जो एक बहुत ही इफेक्टिव माध्यम है आपकी वेल्थ को बिल्ड करने का या संपत्ति बनाने का। तो उसके बारे में आगे बढ़ते हैं। तो आई होप कि आप सभी ने सुना होगा म्यूचुअल फंड सही है के बारे में, कि म्यूचुअल फंड एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल है। उसके बारे में घर घर में भी जागरूकता बढ़ रही है। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का एक माध्यम है SIP। तो ये बहुत सिंपल और एक आसान तरीका है म्यूचुअल फंड की किसी भी स्कीम में इन्वेस्ट करने का, एक फिक्स्ड अमाउंट रेगुलरली फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो SIP से फायदा ये होता है कि आप रेगुलरली, जिस तरह से आप एक बैंक में एक रिकरिंग डिपॉजिट करते हैं, उसी तरीके से आप म्यूचुअल फंड की किसी भी स्कीम में रेगुलरली हर महीने की एक फिक्स तारीख को यूनिट्स बाय करते रहते हैं, और आपके बैंक से एक फिक्स्ड अमाउंट ऑटोमेटिकली डेबिट होता रहता है एक पर्टिकुलर तारीख को, और लॉन्ग टर्म में उसमें धीरे धीरे वो महीने की जो भी NAV होती है उसके हिसाब से आपके यूनिट्स एक्यूमुलेट होते रहते हैं। तो एक बहुत ही सिंपल तरीका है म्यूचुअल फंड के यूनिट्स को एक्यूमुलेट करने का, अलग अलग NAV के माध्यम, अलग अलग NAV पे। तो उसको हम लोग SIP बोलते हैं। और ये प्रैक्टिस स्टार्ट करने का सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो ये है कि बिकॉज आप एक बहुत लंबे टाइम के लिए SIP करते हैं, आपने कमिटमेंट दे दिया है कि आप एक पर्टिकुलर तारीख को किसी भी महीने को पैसा अपने बैंक से डेबिट करा के म्यूचुअल फंड के यूनिट्स बाय करते हैं। तो ये धीरे धीरे आपकी ये जो सेविंग्स है ये एक हैबिट बन जाती है। एक बहुत डिसिप्लिन तरीके से आप एक लंबे टाइम तक रेगुलरली अपनी सेविंग को प्रॉपर तरीके से इन्वेस्ट करते हैं। तो दैट इज व्हाट इज SIP इज ऑल अबाउट, राइट। आगे बढ़, तो आज SIP के बारे में मैं आपको कुछ सात छोटी छोटी कहानियां सुनाऊंगा या कथाएं सुनाऊंगा, जिससे आपको क्लैरिटी आएगा कि SIP करने के एडवांटेजेस क्या हैं। आप लोगों के मन में जो भी शंकाएं होती हैं SIP को लेकर, स्कीम सेलेक्ट करने को लेकर, कब SIP करना है, कौन सी स्कीम में करना है, कितने समय के लिए करना है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कुछ सात कथाओं के माध्यम से उनका सॉल्यूशन ढूंढने का। तो सबसे पहले जो स्टोरी मैं आपको सुनाने वाला हूं, उस स्टोरी का जो थीम है वो है राइट एसेट क्लास। वो स्टोरी में क्या है दोस्तों, कि तीन दोस्तों की ये कहानी है, जिनका नाम है पुजारा, राहुल और सहवाग। तो ये तीनों दोस्तों ने डिसाइड किया कि वो लोग म्यूचुअल फंड में SIP करेंगे, या किसी और जगह एक रेकरिंग डिपॉजिट करेंगे, या किसी और जगह एक रेगुलरली पैसा इन्वेस्ट करेंगे। तो तीन दोस्तों ने डिसाइड किया कि हम लोग हर महीने 10-10 हज़ार रुपए सेव करेंगे, उसको इन्वेस्ट करेंगे और 20 साल तक ये प्रोसेस जारी रखेंगे। अभी जो पुजारा थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये जो 10 हज़ार रुपए सेव करने की प्रथा है ये उन्होंने एक रेकरिंग डिपॉजिट या एक बैंक के रेकरिंग डिपॉजिट या FD में स्टार्ट किया। राहुल, उन्होंने गोल्ड में या सोने में ये हर महीने 10-10 हज़ार रुपए इन्वेस्ट करने की प्रोसेस चालू किया। और जो सहवाग थे उन्होंने क्या किया, ये 10-10 हज़ार रुपए हर महीने सेव करना स्टार्ट किया एक म्यूचुअल फंड इक्विटी SIP में, और उन्होंने भी ये काम किया 20 साल तक। तो टोटल आप देखेंगे एक महीने में 10 हज़ार, मतलब टोटल 1,20,000 साल का, और 20 साल में लगभग 24 लाख रुपए तीनों ने इन्वेस्ट किया रेगुलरली फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो भी इन्होंने जो डिसीजन में जो फर्क यही था कि पुजारा ने रेकरिंग डिपॉजिट में किया, राहुल ने गोल्ड में, और सहवाग ने SIP में। उसका जो फर्क ये हुआ दोस्तों कि 20 सालों के बाद पुजारा की जो वेल्थ थी वो 24 लाख से बढ़कर होगी लगभग 51 लाख रुपीज। तो उसमें जो CAGR या जो कंपाउंडेड इंटरेस्ट आया, या उनको रेट ऑफ रिटर्न जो कंपाउंडेड मिला, वो मिला लगभग
7%। राहुल जिन्होंने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया था उनकी वेल्थ 24 लाख से बढ़ के हो गई 82 लाख रुपीस, जिसमें उनका सीएजीआर रिटर्न आया 11.13%। और सहवाग जिन्होंने इक्विटी म्यूचुअल फंड में एसआईपी की उनकी वेल्थ 24 लाख से बढ़कर होगी 1,17,00,000 रुपए, और उनका जो सीएजीआर आया वो आया 14%। राइट दोस्तों, पहली कहानी का थीम यही है कि तीनों दोस्तों ने रेगुलरली सेविंग किया, तीनों दोस्तों ने रेगुलरली इन्वेस्ट किया, तीनों दोस्तों ने 20 साल तक इन्वेस्ट किया। पर फर्क ये था कि लोगों ने असेट क्लास तीनों ने अलग अलग लिया था। तो पुजारा ने रेकरिंग डिपॉजिट में किया तो 51 लाख बना, राहुल ने गोल्ड में किया तो 83 लाख के आसपास बना, और सहवाग ने इक्विटी एसआईपी में किया तो उनका जो एक्यूमुलेट अमाउंट हुआ वो हुआ लगभग 1,17,00,000 रुपए। राइट, और ये जो मैंने 14% रिटर्न लिया है दिस इज नथिंग बट जितने भी म्यूचुअल फंड की डाइवर्सिफाइड इक्विटी स्कीम्स हैं उनका ये एवरेज रिटर्न लिया है जो 31 मार्च 2023 तक 20 साल के लिए लिया गया। राइट, तो पहली कहानी का जो थीम यही है कि अगर आप देखेंगे कि तीनों ने कोशिश किया इन्फ्लेशन को बीट करने का या महंगाई से ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट कमाने का। हम देखेंगे 20 साल में जो महंगाई की दर बढ़ी है वो लगभग 5.77% बढ़ी है। पुजारा ने जो एफडी किया उससे वो जो रिटर्न एक्स्ट्रा कमा पाए महंगाई के ऊपर वो 1.16% था। राहुल जिन्होंने गोल्ड में इन्वेस्ट किया उन्होंने लगभग 5% एक्स्ट्रा कमाया महंगाई से। सहवाग जिन्होंने इक्विटी एसआईपी किया उन्होंने लगभग 8% रियल रेट ऑफ रिटर्न कमाया। रियल रेट ऑफ रिटर्न मतलब कि महंगाई के ऊपर उनका जो पैसा जो एक्यूमुलेट हुआ उसको हम लोग रियल रेट ऑफ रिटर्न बताते हैं। तो आप देखेंगे बहुत ही एक सब्सटेंशियल डिफरेंस है तीनों एसेट क्लासेस में अगर आप लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो हमारी जो पहली कहानी का सार ये है कि आपका जो मेन ऑब्जेक्टिव इन्वेस्टमेंट का है वो इन्फ्लेशन को या महंगाई की दर को बीट करने का है, तो उसमें इक्विटी का जो एसेट क्लास है उन्होंने बहुत लंबे टाइम तक ये डोमिनेट किया है सभी एसेट क्लासेस में। और जो अगर आप एक रियल रेट ऑफ रिटर्न अच्छा खासा बनाना चाहते हैं तो उसके लिए इक्विटी एसेट या इक्विटी एसआईपी में एसआईपी करना, दैट इज वन ऑफ दी वेरी वेरी वाइज डिसीजन, एक बहुत अच्छा डिसीजन आप ले सकते हैं एक इक्विटी में एसआईपी स्टार्ट करने का। तो पहली कहानी का हमारा ये सार था दोस्तों कि आप सही एसेट में एसआईपी कीजिए। आगे बढ़ते हैं, अभी मैं आपको दूसरी कहानी पे ले चलता हूँ। तो दूसरी कहानी का जो थीम होगा वो स्टार्ट अर्ली पे होगा, उसमें भी मैं आपको कुछ दोस्तों की कहानी सुनाऊंगा। तभी दो दोस्त हैं, एक है सचिन और एक है हमारे दूसरे दोस्त हैं उनका नाम है सूर्या। तो सचिन की जो कहानी है वो ऐसी है, उन्होंने 10-10 हज़ार रुपए की एसआईपी करना स्टार्ट किया एक बहुत ही अर्ली एज पे, मतलब 25 साल के जब थे उन्होंने तभी से ये इक्विटी एसआईपी में एसआईपी करना स्टार्ट कर दिया बिकॉज उन्हें इक्विटी एसआईपी के फायदे मालूम थे। तो उन्होंने 25 साल में डिसाइड कर लिया कि मैं मेरे रिटायरमेंट के लिए एसआईपी इक्विटी में करूंगा। तो उन्होंने 35 साल तक रेगुलरली ये 10-10 हज़ार रुपए हर महीने बचाना और इक्विटी एसआईपी में स्टार्ट करना शुरू किया। उनको देख के उनके जो दूसरे मित्र थे सूर्या, उन्होंने भी ये काम स्टार्ट किया, पर उन्होंने 10 साल के बाद ये एसआईपी में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया। वो 10 साल की भरपाई करने के लिए उन्होंने क्या किया, 10 हज़ार के बजाय 25 हज़ार रुपए, मतलब 2.5 गुना ज्यादा सेविंग और इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया। तो उन्होंने 35 साल से लेकर 60 साल तक इन्वेस्टमेंट किया। तो दोनों दोस्तों में फर्क यही था कि सचिन ने 10-10 हज़ार रुपये इन्वेस्ट किया 35 साल तक, सूर्या ने 25 हज़ार रुपये हर महीने इन्वेस्ट किया, उन्होंने किया 35 साल से लेकर 60 साल की आयु तक, मतलब 25 साल तक। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टू फ्रेंड्स, क्लियर। अभी देखते हैं कि जब ये दोनों 60 साल पे पहुंचेंगे तो क्या इनकी वेल्थ में कुछ फर्क होगा। तो इसका जवाब ये है कि जो सूर्या थे जिन्होंने लेट स्टार्ट किया था उनकी वेल्थ या उनकी जो संपत्ति बनी वो लगभग 4.71 करोड़ बनी दोस्तों, मतलब वो 35 से 60 साल, मतलब 25 साल के इन्वेस्टमेंट के बाद उनकी जो टोटल वैल्यू बनी वो 4.71 करोड़ बनी। सचिन जिन्होंने 10 हज़ार रुपए से स्टार्ट किया था, आप देख के अचरज में जाएंगे कि उनकी जो टोटल वैल्यू बनी वो लगभग बनी 6.5 करोड़ रुपए, 6.43 करोड़ रुपीज, मतलब उनका जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू था लगभग 15 गुना से बढ़ गया। राइट, और ये जो रिटर्न मैं आपको दिखा रहा हूँ ये रिटर्न एक सेंसेक्स का रिटर्न है, पिछले 20 साल का हम लोग रिटर्न देखते हैं। तो उसके डिफरेंस के हिसाब से सचिन और सहवाग की जो टोटल वेल्थ थी उसमें इतना डिफरेंस था। ये डिफरेंस का दोस्तों सबसे बड़ा जो कारण ये था कि सचिन ने भले ही 10 हज़ार रुपये इन्वेस्ट किया पर उन्होंने 35 ईयर्स तक ये प्रथा जारी रखी। सूर्य ने 25 हज़ार रुपये इन्वेस्ट किया पर उन्होंने 25 साल ही प्रथा की। तो कहने का मतलब यह है कि
अगर आप एक बहुत लंबे समय तक ये रेगुलर सेविंग और रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं तो उससे बहुत ज्यादा सब्सटेंशियल फर्क पड़ता है। तो अमाउंट से ज्यादा जरूरी है कि आपका टाइम जो है मार्केट में वो कितना आपने स्पेंड किया है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। तो ये दूसरी समरी को अगर हम लोग दूसरी कहानी को अगर हम लोग समराइज वर्जन में देखें तो सूर्या ने 75 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, उनका वैल्यू बना 4.71 करोड़। सचिन ने सिर्फ 42 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, बिकॉज वो 10-10 हजार रुपए सेव कर रहे थे, तो भी उनका जो वेल्थ ज्यादा बना लगभग 6.43 करोड़, राइट। तो ये समरी का मॉरल ये है कि जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग है वो बहुत ही एक बढ़िया, आप बोल सकते हैं कि वंडर है वर्ल्ड का। तो हम लोग इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर इन द वर्ल्ड। तो कुछ जो महानुभाव ये बोलते हैं कि शेयर बाजार में या इक्विटी मार्केट में टाइमिंग से ज्यादा कि आप कितना टाइम स्पेंड करते हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो सचिन ने बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड किया, इसीलिए उनकी जो एसेट थी वो बहुत डिफरेंशियल लेवल पे पहुंच गई थी। तो दूसरी कहानी का सार ये है कि स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट एज अर्ली एज पॉसिबल टू मैक्सिमाइज द बेनिफिट ऑफ कंपाउंडिंग, राइट। तो दूसरा भी मैं आपको तीसरी कहानी पे ले चलता हूँ। तीसरी कहानी का जो सार है वो है विजडम, बुद्धिमत्ता। तो अ टेल ऑफ लिटिल एक्स्ट्रा, इसमें भी मैं आपको एक दोस्तों की कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा कि दो दोस्त थे, एक का नाम था विदुर और एक का नाम था करण। दोनों ने इक्विटी एसआईपी के द्वारा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया, और उन दोनों का जो नीड था वो ये था कि 20 साल के बाद दोनों को 1 करोड़ का घर चाहिए, और 20 साल के बाद जो घर की वैल्यू है लगभग 1 करोड़ है। तो उनका जो टारगेट अमाउंट था वो 1 करोड़ रुपए का था। तो 1 करोड़ पे पहुंचने के लिए दोनों ने डिसाइड किया कि हम लोग एसआईपी के माध्यम से ये नीड को अचीव करने की कोशिश करेंगे, राइट। बट विदुर इंटेलिजेंट होने के साथ साथ थोड़ा एक विजनरी भी था, उनकी बहुत दूरदर्शिता थी। तो उन्होंने ऐसा किया कि मैं भी एसआईपी करूंगा, लेकिन मैं एसआईपी के साथ एक टॉपअप भी ऐड कर दूंगा। टॉपअप मतलब वो कोशिश कर रहे थे कि मैं हर साल मेरा जो एसआईपी का अमाउंट है उसको बढ़ाता हुआ चलूंगा। तो आइए देखते हैं कि दोनों का जो ड्रीम था 1 करोड़ बनाने का, या उनकी जो नीड थी 1 करोड़ की 20 साल के बाद, क्या उसमें वो सक्सेसफुल हो पाए। तो दोस्तों करण जो दूसरा दोस्त था, करण ने 2003 में ये 10 हजार की एसआईपी स्टार्ट की थी, और उनकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से लगभग पौने 13 टका का जो सीएजीआर आया, 12.7% का, तो उसके हिसाब से उनका जो टोटल जो इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू बन गई थी 20 साल में वो लगभग 1 करोड़ बन गई थी। तो मतलब करण का जो नीड था वो अपना फुलफिल कर पाए, उनको 1 करोड़ रुपया मिल चुका था 20 साल के बाद। लेकिन जो विदुर थे, जो इंटेलिजेंट और विजनरी थे, तो जैसा मैंने बताया उन्होंने एक डिसीजन और लिया कि वो एसआईपी के साथ उन्होंने एक 2 हजार रुपए का एक टॉपअप भी डालना उसमें स्टार्ट कर दिया। टॉपअप मतलब कि ये जो करण थे वो 10 हजार रुपए हर महीने डाल रहे थे, विदुर ने भी 10 हजार से स्टार्ट किया, पर वो हर महीने हर साल उसमें 2-2 हजार रुपए अपनी एसआईपी में बढ़ाते चले। मतलब पहले एक साल 10-10 हजार सेव किया, दूसरे साल 12-12 हजार सेव किया, फिर 14-14 हजार सेव किया। इस तरह से वो भी अपनी एसआईपी को कंटिन्यू करते गए विद अ टॉपअप फैसिलिटी। तो आपको जान के अचरज होगा कि जो करण 20 साल के बाद 1 करोड़ पे पहुंचे थे, ये वाली सिचुएशन में टॉपअप ऐड करने की वजह से विदुर जी 15 साल और 4 महीने के बाद ही 1 करोड़ पे पहुंच गए थे। वो 2018 में ही अपनी नीड को पूरा कर चुके थे। करण ने 2023 में नीड पूरी की, उन्होंने 2018 में अपनी ये जरूरत पूरी कर ली थी। और जब करण की वैल्यू 1 करोड़ की पहुंची थी, उस समय पे विदुर जी का जो टोटल वैल्यू था वो लगभग 2 करोड़ का पहुंच चुका था। मतलब 20 साल के बाद अगर दोनों को घर लेना था तो करण 1 करोड़ का घर ले पाते, विदुर 2 करोड़ का घर ले सकते थे। तो दिस इज ए ह्यूज डिफरेंस। और इस डिफरेंस का जो सबसे इम्पोर्टेंट डिफरेंस ये था कि दोनों ने सेम इक्विटी एसेट क्लास में एसआईपी किया, दोनों ने 10-10 हजार से स्टार्ट किया, लेकिन विदुर जी रेगुलरली अपनी इन्वेस्टमेंट को 2-2 हजार से सालाना बढ़ाते चले, राइट। तो दिस इज द डिफरेंस। आप देखेंगे करण का 10 हजार का एसआईपी 1 करोड़ का हुआ, विदुर का 10 हजार का एसआईपी 2 करोड़ पहुंचा, क्योंकि उन्होंने 2 हजार का टॉपअप लिया था। 1 करोड़ पे पहुंचने में करण को 20 साल लगे थे, विदुर को 1 करोड़ पहुंचने में 15.4 साल लगे, और दोनों में रिटर्न लगभग सिमिलर था, राइट। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू फ्रेंड्स। अगर आप इसको ग्राफिकल फॉर्म में भी समझना चाहते हैं तो दोनों ने स्टार्ट किया 2003 में, राइट। 2003 में ये जो नीले कलर की लाइन है ये करण की है, ऊपर वाली जो लाइन है विदुर की है। आप देखेंगे कि विदुर 1 करोड़ पे पहुंचे 2023 में, करण 1 करोड़ पे पहुंच सॉरी विदुर 1 करोड़ पे पहुंच चुके थे 2019 के आसपास, 2018-19 के बीच में।
और 2023 में विदुर जो थे वो लगभग 2 करोड़ 9 लाख पे पहुंच चुके थे, राइट। तो ये जो कहानी है इसका जो समरी यही है कि जिस तरह से हमारी इनकम बढ़ती है उसी तरीके से हमारे एक्सपेंस भी बढ़ते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि हमारे इनकम के साथ एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं तो हम हमारी सेविंग्स को भी रेगुलरली बढ़ते हुए चले, राइट। और टॉप अप एक बहुत ही अच्छा सिस्टमेटिक माध्यम है आपकी इन्वेस्टमेंट में रेगुलरली उसको इंक्रीमेंट करने का हर साल, और आप अपने जो नीड्स हैं उस पे आप बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। तो ये हमारी तीसरी कहानी थी दोस्तों। चौथी कहानी है जिसको मैं नाम दूंगा कंसिस्टेंसी थीम का। तो कंसिस्टेंसी थीम में अगेन हम लोग कुछ दोस्तों की बात करते हैं, अभी हम लोग तीन दोस्तों की बात करते हैं। एक दोस्त है अमर, एक अकबर और तीसरे एंथनी। तो ये तीन दोस्त अमर अकबर एंथनी की कहानी है। ये कहानी में डिफरेंस ये है कि 20 साल पहले ये दोनों तीनों दोस्त मिले थे, तीनों ने इक्विटी के SIP के बारे में सुना, तीनों ने डिसाइड किया कि हम लोग म्यूचुअल फंड की इक्विटी स्कीम में इन्वेस्टमेंट करेंगे, राइट। और अमर और अकबर और एंथनी तीनों ने डिसाइड किया इक्विटी में करेंगे, लेकिन एंथनी उन्होंने डिसाइड किया मैं इक्विटी स्कीम में करूंगा लेकिन SIP के माध्यम से करूंगा। अमर और अकबर उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि मार्केट बहुत वॉलेटाइल है तो उन्होंने कोशिश किया कि हम लोग मार्केट में जो टाइमिंग करने की कोशिश करते हैं। तो टाइमिंग करने की वजह से तीनों में क्या कुछ डिफरेंस हुआ आइए उसको देखते हैं। अमर जो थे उन्होंने सोचा कि 10-10 हजार रुपए हर महीने डालने से अच्छा है कि जिस वो साल का जो सबसे बॉटम लेवल है उस पे मैं पूरा 1,20,000 एक साथ इन्वेस्ट कर दूंगा तो उनको फायदा होगा। तो उन्होंने ये कोशिश किया, उसमें वो सक्सेसफुल भी हुए। अमर ने 10-10 हजार रुपये SIP करने के बजाय उन्होंने 1,20,000 रुपए हर साल इन्वेस्टमेंट किया उस साल का जो इंडेक्स किया या जो सेंसेक्स का सबसे लोवेस्ट लेवल था उसको पकड़ के, राइट। तो उनको जो रिटर्न मिला दोस्तों वो मिला 13.27%, राइट। आगे बढ़ते हैं। अकबर थे उन्होंने भी कोशिश यही किया लेकिन वो कोशिश में बार बार फेल होते रहे। टाइमिंग करने के चक्कर में उन्होंने 1,20,000 रुपए जो सालाना इन्वेस्ट करना था अनफॉर्चुनेटली वो जिस दिन भी इन्वेस्ट करते थे वो सेंसेक्स का उस साल का सबसे ऊपर का लेवल था तो उनका जो रिटर्न आया वो 10.24% आया, राइट। मैं वापस बताता हूँ, अमर एक बहुत ही स्मार्ट इन्वेस्टर थे, टाइमिंग पे उनका जबरदस्त कंट्रोल था, अपने दिमाग से उन्होंने प्रॉपर डेट डिसाइड किया कि ये साल में सबसे लोवेस्ट लेवल आया है उस पे उन्होंने किया, उनका रिटर्न 13.27% का आया। अकबर ने ये कोशिश की जिसमें वो पूरी तरह विफल रहे, उनका रिवर्स ही हुआ, वो छोटा लेवल पकड़ने की कोशिश करते थे लेकिन सबसे हाईएस्ट लेवल पे जाके इन्वेस्टमेंट किया तो उनका रिटर्न 10.24% आया। अमर और अकबर ने बहुत समय बहुत टाइम उसमें वेस्ट किया, टाइमिंग करने के चक्कर में बहुत रिसर्च किया। उनके अलावा जो तीसरे दोस्त थे एंथनी, उन्होंने किसी भी टाइमिंग के चक्कर में अपना समय नहीं गवाया, कोई भी रिसर्च करने में दिमाग नहीं लगाया, उन्होंने सिर्फ जो दिमाग लगाया सिर्फ डिसिप्लिन में। उन्होंने डिसिप्लिन तरीके से हर महीने कोई भी एक डेट पकड़ी, हर महीने उस डेट को 10-10 हजार रुपए, नवंबर 2000 से उन्होंने SIP करना स्टार्ट किया 20 साल तक, तो उनका रिटर्न आया 11.68%। तो दोस्तों ये तीन दोस्तों की कहानी, अमर जो सबसे भाग्यशाली थे, अकबर जो सबसे अभागे थे और एंथनी जो सबसे डिसिप्लिन थे। अभी दोस्तों आप सभी जानते हैं कि अमर जैसा कोई भी क्लाइंट शायद आपके हमारे जीवन में कभी भी हमको मिला नहीं है कि जो बहुत प्रॉपर टाइमिंग कर पाया हो। तो कोई भी इतना स्किल्ड नहीं है, कोई भी इतना भाग्यशाली नहीं है, कोई भी इतना एजुकेटेड नहीं है कि वो एक पर्टिकुलर डेट को डिसाइड कर पाए कि ये सबसे बॉटम लेवल है वो साल का। तो अमर जैसे स्टोरी में अमर जैसे पार्थ होना बहुत मुश्किल है फाइंड करना, अकबर जैसे अभागे लोग भी मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन एंथनी जैसे डिसिप्लिन लोग मिलना बहुत ही इजी है। आप सभी के सभी एंथनी की फॉर्मेट में काम कर सकते हैं कि टाइमिंग करने के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हम लोग डिसिप्लिन पे फोकस करेंगे तो हमारा जो वेल्थ बनेगा या हमारा जो वेल्थ क्रिएट होता है आफ्टर 20 ईयर्स वो बहुत सब्सटेंशियल क्रिएट होता है। और ये जो डेटा मैंने लिया है पिछले 20 साल का रिटर्न का लिया, राइट। तो हमारा इससे अमर अकबर की एंथनी से स्टोरी क्या है कि वेल्थ क्रिएट करने के लिए या आपका जो नीड है उसको पूरा करने के लिए टाइमिंग करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपका डिसिप्लिन, आपकी कंसिस्टेंसी और एक सिस्टमेटिक अप्रोच होना बहुत जरूरी है। तो आप अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट मत कीजिए इन चीजों में, SIP विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, राइट। तो ये हमारी तीसरी कहानी का सार था, चौथी कहानी का। चौथी पांचवी जो कहानी है दोस्तों वो हमारी उसकी जो थीम है वो फोकस है। तो
उसके लिए भी मैं आपको दो दोस्तों की कहानी सुनाऊंगा। एक का नाम था आकाश और एक का नाम था सौरभ। अगेन दोनों दोस्तों ने डिसाइड किया कि वो लोग भी 10,000 रुपये की SIP करेंगे। 20 साल पहले उन्होंने डिसाइड किया था। आइए देखते हैं इनका क्या हुआ। अभी जो आकाश जी थे वो बार बार मार्केट की वोलेटाइल देख के घबरा जाते थे, मतलब वो पैनिक में आ जाते थे, उनको फियर हो जाता था। तो वो फियर की वजह से क्या करते थे, जब मार्केट बहुत वोलेटाइल बहुत गिर जाता था तो वो मार्केट से निकल जाते थे और 2 साल के बाद वो वापस आते थे कि यार मेरा डिसीजन गलत था, लेट अस गो बैक। तो इस तरह का जो 2 बार उन्होंने एक रिएक्शन दिया, एक उन्होंने 2008 में दिया जब मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल होके नेगेटिव हुआ था, 2020 में वापस कोविड की वजह से मार्केट में बहुत बड़ा करेक्शन आया था तो वापस वो मार्केट से चले गए थे। जब भी वो मार्केट से बाहर जाते थे 2-2 साल तक उनका इन्वेस्टमेंट भी रुक जाता था, उनका म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं आता था 2-2 साल तक। तो आइए देखते, 2-2 साल मार्केट जब गिरा हुआ था उसमें वो जब मार्केट से बाहर निकले तो क्या कुछ वेल्थ में उनका कुछ फर्क पड़ा था, आइए देखते हैं। अभी जो आकाश थे उन्होंने जब SIP स्टॉप किया जून 2008 में और जून 2000 वापस 10 में वापस स्टार्ट किया और मार्च 20 में कोविड के टाइम पे वापस उन्होंने SIP बंद किया और 2022 मार्च में वापस आए। तो उसकी वजह से उनका जो टोटल जो वेल्थ एक्यूमुलेट हुआ या जो पैसा बना वो लगभग 76 लाख का वैल्यू हुआ अक्टूबर 2023 में, राइट। उन्होंने 20 साल में से ये 4 साल मिस कर दिया बिकॉज वो बहुत घबराए हुए थे, मार्केट से बाहर चले गए थे। तो उनका जो एक्यूमुलेट हुआ अमाउंट वो 76 लाख हुआ। जो दूसरे जो दोस्त थे जो सौरभ थे, जिनको कुछ भी ऐसे पैनिक और ग्रीड या फियर की साइकिल में वो नहीं पड़ते थे, उन्होंने अपना SIP कोई भी मार्केट का मूवमेंट हो उसमें चालू रखा इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी मार्केट टर्मोइल। तो उनका जो पैसा एक्यूमुलेट हुआ दोस्तों वो हुआ लगभग 91 लाख रुपीज। तो जो दूसरे दोस्त थे आकाश, उन्होंने 4 साल SIP में से बाहर निकलने का डिसीजन लिया घबरा के, तो उनका जो टोटल वेल्थ बना वो लगभग 76 लाख बना। सौरभ ने इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी मार्केट मूवमेंट कंटिन्यू किया तो उनका जो टोटल वेल्थ एक्यूमुलेट हुआ वो लगभग 91.39 लाख हुआ, राइट। तो ये दोनों में डिफरेंस था। आप देखेंगे भले आकाश के 4 साल में लगभग उन्होंने लगभग 4.5 लाख रुपए शायद अपना सेव भी किया होगा, लेकिन सौरभ का जो डिफरेंस है एक्स्ट्रा वेल्थ क्रिएट करने का लगभग 15 लाख रुपए उनका एक्स्ट्रा वेल्थ क्रिएट हुआ, राइट। तो दिस इज द मूवमेंट। आप देखेंगे 2003 से 2008 तक तो दोनों सेम चल रहे थे, 2008 के बाद दोनों के जो मूवमेंट उनमें आप देखेंगे डिफरेंस है। सौरभ हमेशा ही आगे रहे थे। 2020 में अगेन आकाश ने स्टॉप किया SIP 2 साल, तो आप सौरभ उनसे फिर आगे निकल गए और 15 साल में उनका जो टोटल डिफरेंस है वेल्थ क्रिएशन में वो लगभग 15 लाख का है, राइट। तो दिस इज दी समरी ऑफ दीज टू फ्रेंड्स। तो ये स्टोरी हमें क्या बताती है कि मार्केट का जो नेचर है वो वोलेटाइल है। ये मार्केट में उथल पुथल रहना ये शेयर बाजार की मार्केट का एक करेक्टरिस्टिक है। मार्केट्स आर वोलेटाइल और SIP है वो वोलेटाइल मार्केट में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है बिकॉज एक डिसिप्लिन की वजह से, एक कंसिस्टेंसी की वजह से आप मार्केट के हर लेवल पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं। हर लेवल मतलब जब मार्केट बहुत सस्ता हो जाता है तो भी आप अपने यूनिट्स बाय करते हैं, तो आपको उसका जो इफेक्ट है या उसका जो फायदा है वो मार्केट जब रिकवर होता है तो आपको बहुत अच्छा उसका फायदा मिलता है। तो ये समरी का सार ये है कि अगर आप लॉन्ग टर्म में अपनी वेल्थ को बिल्ड करना चाहते हैं तो डू नॉट स्टॉप योर SIP। अगर आप आज SIP स्टार्ट करते हैं, आने वाले 1 साल 2 साल में अगर मार्केट करेक्ट होके थोड़ा नीचे भी जाता है तो भी आपको ये फियर और एंगर और ये सब जो साइकिल है ग्रीड की, उनसे बाहर निकल के अपनी SIP को रेगुलरली चालू रखना है। ये इस कथा का सार है। आगे बढ़ते हुए अभी हमारे पास एक छठी स्टोरी है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। छठी स्टोरी में हमारे एक ही दोस्त है, उनका नाम है मिस्टर कंफ्यूज्ड। तो उन्होंने अभी अपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से बात करके डिसाइड किया कि वो भी म्यूचुअल फंड में SIP करेंगे, लेकिन वो बहुत कंफ्यूज थे कि महीने में कौन से दिन को वो SIP स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जो SIP आप 1 तारीख को भी स्टार्ट कर सकते हैं, 5 को भी कर सकते हैं, 7 को भी कर सकते हैं, 10 को भी कर सकते हैं, 15 को भी कर सकते हैं, 25 को भी कर सकते हैं, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो जो हमारे दोस्त मिस्टर कंफ्यूज थे वो इस बात में डाउटफुल थे कि हमारे लिए करेक्ट डेट क्या है। तो उन्होंने डिसाइड किया कि मैं 10,000 रुपए 1 तारीख को नहीं डालता हूँ। उन्होंने अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगा के 1,000 रुपए 10 दिनों में स्टार्ट करना स्टार्ट किया। तभी देखते हैं क्या ये एक्स्ट्रा स्मार्टनेस से उनको कुछ फायदा हुआ था।
हमने देखा दोस्तों, 20 साल की जर्नी के बाद उन्होंने जो SIP एक तरीक को स्टार्ट की थी उनपे उनको जो रिटर्न मिला था लगभग 17.45 था। जो 4 तरीक को SIP स्टार्ट की थी उसका 20 साल में रिटर्न 17.39 था। 7 तारीख, 10 तारीख, 13 तारीख, 16 तारीख, 19, 22, 25, 28, 10 के 10 अलग अलग दिनों में भी SIP जो उन्होंने 20 20 साल तक कंटिन्यू की, 1-1 हजार की, आप देखेंगे उसमें कोई भी सब्सटेंशियल डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब है कि आपको कोई भी दिन उसमें इफेक्टिव ढूंढने की कुछ भी अटेम्प्ट नहीं करना है कि कौन से दिन पे SIP करना है। आप किसी भी दिन SIP स्टार्ट कर सकते हैं। तो 10 साल, 15 साल, 20 साल में वो बहुत ज्यादा मैटर नहीं करेगा कि आप महीने के कौन से दिन पे SIP स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। तो ये कहानी का जो मॉरल है यही है कि मार्केट्स बहुत वॉलेटाइल और अनप्रडिक्टेबल रहती हैं, और कोई भी हमारे पास हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है कि ये पर्टिकुलर दिन आप अपनी SIP को स्टार्ट कीजिए। तो जो भी आपको एक कन्वीनियंट डेट रखता है, आपको लगता है कि आपकी सैलरी के तीसरे दिन आपको SIP स्टार्ट करना है या आपको महीने के लास्ट संडे को SIP स्टार्ट करना है, आप कोई भी दिन अपने कन्वीनियंस के हिसाब से चूज करके उस पे SIP स्टार्ट कर सकते हैं। ये हमारी छठी कहानी थी। सातवीं कहानी में दोस्तों कोई मैंने एक करेक्टर नहीं लिया, ये सिंपल एक चार्ट है। मैं आपको बताना चाहता था कि कुछ लोग म्यूचुअल फंड में कौन सी स्कीम में SIP स्टार्ट करना है उसके लिए वो बहुत ज्यादा समय अपना लगाते हैं, बहुत रिसर्च करते हैं। तो हमारे पास जो हिस्टोरिकल डाटा उससे ये समझ में आता है कि कोई भी आप परफॉर्मिंग स्कीम को चेज मत कीजिए, मतलब परफॉर्मेंस के पीछे मत भागिए। आपको जो भागना है वो डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के पीछे भागना है, परफॉर्मेंस के पीछे नहीं भागना है। इसको प्रूव करने के लिए मेरे पास बहुत अच्छा चार्ट है कि आज म्यूचुअल फंड में बहुत सारी स्कीम है। आप देखेंगे कि 2013 में सपोज फंड 1, फंड 2, फंड 3, ये तीन फंड हमने एग्जाम्पल लिया, तो 2013 में जो पहले, दूसरे और तीसरे रैंक पे थे इन टर्म्स ऑफ देयर परफॉर्मेंस, तो 2014 में कुछ दूसरे फंड टॉप पे आ गए, 2015 में कुछ दूसरे फंड टॉप पे आ गए, 2017 में कुछ नई स्कीम आ गई, और आप देखेंगे कि जो फंड 2013 में टॉप पे थे वो 2023 में 15वें रैंक पे आ गए या 9वें रैंक पे आ गए, 2004 में जो 1, 2, 3 रैंक वाले थे वो 2023 में 30वें, 24वें और 34वें रैंक पे आ गए। तो ये जो चार्ट का जो समरी है दोस्तों, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड विच इज गोइंग टू बी दी बेस्ट परफॉर्मिंग फंड। तो आप म्यूचुअल फंड की स्कीम के परफॉर्मेंस के हिसाब से डिसीजन मत लीजिए, बिकॉज परफॉर्मेंस चेज करने का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज हर जो म्यूचुअल फंड है उसके अलग अलग साइकिल चलते हैं। आज जो टॉप परफॉर्मिंग है वो शायद अगले साल टॉप परफॉर्मिंग नहीं रहेगा, आज जो बॉटम परफॉर्मिंग है वो अगले साल शायद टॉप परफॉर्मिंग होगा। तो कहने का मतलब आप कोई भी अच्छे सीरियस फंड हाउस ही सिलेक्ट कर सकते हैं, अपने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ बैठ के कोई भी आप 4-5 अच्छे फंड, उनकी अच्छी इक्विटी स्कीम, एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना के उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। भले ही अगले साल उनका परफॉर्मेंस नहीं आएगा तो भी आपको स्कीम चेंज नहीं करनी है, परफॉर्मेंस चेंज करके बार बार अपने पोर्टफोलियो को बदलना नहीं है। आपके पोर्टफोलियो में कंसिस्टेंसी रखेंगे तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा 15 साल, 20 साल के परफॉर्मेंस के बाद में। आपको सिर्फ डिसाइड ये करना है अपने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ बैठ के कि कोई भी 4-5 फंड, अच्छे फंड हाउसेस के अच्छे सीरियस प्लेयर्स कौन से हैं, उसमें आप अपनी SIP को स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। तो अगर दोस्तों मुझे अपनी ये सेशन को समराइज करना हो तो उसमें जो सातों कहानी जो हमने सुनी है उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वेल्थ बिल्डिंग के, वो मेरे हिसाब से दोस्तों ये होने चाहिए। आप कौन से एसेट क्लास में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आप इक्विटी इन्वेस्ट कर रहे हैं, डेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, रिकरिंग डिपॉजिट में कर रहे हैं, गोल्ड में कर रहे हैं, रियल एस्टेट में कर रहे हैं, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है आपकी वेल्थ बिल्डिंग में। जैसा कि हमने देखा कि इक्विटी लॉन्ग टर्म में सबसे अच्छा वेल्थ क्रिएट करके देता है, बट आपको अपना एसेट एलोकेशन डिसाइड करना चाहिए अपने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ बैठ के कि अगर आप 100 रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 100 रुपए में से आप कितना रुपया इक्विटी में डालना चाहते हैं, कितना बाकी सेट क्लासेस में, आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से आप डिसाइड कीजिए। बिकॉज इक्विटी का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो वोलेटाइल है, अगर आप वोलेटिलिटी नहीं चाहते हैं तो इक्विटी क्लास आपके लिए नहीं है, लेकिन आप वोलेटिलिटी के साथ डिसिप्लिन के साथ लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है तो इक्विटी इज वन ऑफ द बेस्ट एसेट क्लास। टाइमिंग करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट टेन्योर है या टाइम है, आप कितना समय मार्केट में रहते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि कौन से समय पे आते हैं वो इंपॉर्टेंट है, राइट। तो दैट इज इंपॉर्टेंट। आप कितना अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें एक हमने स्टोरी में देखा कि वो अमाउंट को अगर आप रेगुलरली बढ़ाते रहते हैं तो वो सोने पे सुहागा का काम करता है। तो SIP टॉपअप पे आप ध्यान दीजिए। पेशेंस एक बहुत ही
इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारे ये पूरे प्रोसेस में। 2008 में, 2017 में, 2020 में जब भी मार्केट करेक्ट हुआ है, मार्केट में जब भी नेगेटिव रिटर्न कुछ समय के लिए आए हैं, तो जो भी कस्टमर में पेशेंस था सिर्फ वही लोग लॉन्ग टर्म में अपनी वेल्थ को क्रिएट कर पाए, राइट। तो पेशेंस एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट क्वालिटी है जो आपके अंदर होनी चाहिए अगर आप ये वेल्थ बिल्डिंग के बारे में सोच रहे हैं। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का साथ होना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से एक सारथी हमको चाहिए, तो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एक सारथी की तरह आपको गाइड करेगा, ना कि सिर्फ स्कीम सिलेक्शन में बट आपके इमोशंस को कंट्रोल करने में, आपके एसेट एलोकेशन को डिसाइड करने में, आपको कौन सी एसेट क्लासेस में करना है, उन सभी के लिए एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर होना बहुत आवश्यक है। मार्केट टाइमिंग हमने बार बार अलग अलग एग्जाम्पल में देखा कि बहुत ज्यादा उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, मार्केट टाइमिंग करना इम्पॉसिबल है उस पर प्लीज उसमें आप समय मत गवाइए। स्कीम सिलेक्शन मैंने बताया आपको कि स्कीम सिलेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। आप कोई भी अच्छे फंड हाउसेस की स्कीम ले लेंगे, 15-20 साल में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है, आप टॉप परफॉर्मिंग स्कीम से स्टार्ट करें या मिडल स्कीम से स्टार्ट करें। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एसेट क्लास कौन सी है, कितने समय के लिए आप कर रहे हैं, अमाउंट, पेशेंस और म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। तो हमारी सभी कहानियों का सार है, रेगुलरली इन्वेस्ट कीजिए, सही समय पे इन्वेस्ट कीजिए, एसेट एलोकेशन को फॉलो कीजिए, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कीजिए, जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी स्टार्ट कीजिए, अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को रेगुलरली बढ़ाते रहिए, टाइमिंग में समय व्यर्थ ना कीजिए, और आपका जो एक ग्रीड और फियर का जो साइकिल होता है उसमें से अपने आपको बाहर निकालिए, बिकॉज शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी में पैनिक लेने का कोई भी मतलब नहीं है और कोई भी आप परफॉर्मेंस को चेज नहीं करेंगे, राइट। तो जिस तरह से अच्छी सेहत बनाने के लिए आपको पता है कि आपके वो स्लीप, आपको खाना, आपकी एक्सरसाइज, आपका वर्कआउट, ये सब इम्पॉर्टेंट है, उसी तरह से लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करने की ये कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, उस पर आप ध्यान दीजिए, तो बहुत ही इजी तरीके से आप आपके जो भी 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद जो भी आपकी नीड्स हैं, फैमिली को लेकर, बच्चों की मैरिज की, बच्चों की शादी की, रिटायरमेंट की या कोई भी दूसरी रिक्वायरमेंट की, उसके लिए SIP एक बहुत ही अच्छा माध्यम है, एंड यू कैन स्टार्ट दैट, राइट। तो दिस इज अ शॉर्ट सेशन फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग अस। और मेरे पास सिर्फ 2 मिनट है, मैं देख पाता हूँ अगर कुछ सवाल है तो मैं 2-3 सवाल भी ले लूंगा। तो कुछ लोगों ने पूछा है कि रेगुलर इनकम के अलावा क्या कुछ रेगुलर रेगुलर इन्वेस्टमेंट के अलावा रेगुलर इनकम का भी ऑप्शन है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, आपके पास एक SWP करके भी हमारे पास एक ऑप्शन है, तो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की तरह एक सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान भी आता है, जहाँ पे आप रेगुलरली अपना पैसा एक रेगुलर इनकम की तरह ले सकते हैं, तो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर के साथ बैठ के आप वो डिसाइड कर सकते हैं। दूसरा कुछ सवाल है, लोगों ने पूछा है कि कितने अमाउंट की SIP सही है, तो ये मैंने बताया कि ये डिपेंड करेगा कि आपका 20 साल के बाद रिक्वायरमेंट क्या है, राइट। तो आप 20 साल के बाद जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से एक बैकवर्ड कैलकुलेशन करके हमारे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के साथ बैठ के आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपका SIP का अमाउंट कितना होना चाहिए। एक सवाल जो कुछ लोग पूछ रहे हैं कि कौन सी स्कीम में करना चाहिए, मैंने बताया कि आज भारत में कुछ 40-45 म्यूचुअल फंड है, सभी में कुछ 15-15-20-20 स्कीम है, तो देर आर थाउजेंड्स ऑफ स्कीम, आपके लिए कौन सी स्कीम सही है वो डिसीजन आप अपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के साथ बैठ के ले सकते हैं। तो कोई भी एक अच्छा इक्विटी म्यूचुअल फंड जो एक बहुत सीरियस प्लेयर हो, जिसका एक अच्छा रिकॉर्ड हो, जिसका प्रोसेस अच्छा हो, उसमें आप किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, राइट। सो दीज आर फ्यू क्वेश्चंस, और बिलीव मी आपको ये सेशन में जो भी एडवाइजर डिस्ट्रीब्यूटर ने यहाँ इन्वाइट किया है, ऑल ऑफ देम आर कैपेबल टू आंसर एनी ऑफ योर क्वेरीज। सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू आपका समय देने के लिए। मैं आशा करता हूँ कि बहुत ही सिंपल शब्दों में ये कुछ कथाएं या स्टोरीज जो मैंने आपको बताई हैं उसके माध्यम से आपके माइंड में क्लैरिटी आ गया होगा कि लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनाने के लिए कुछ बहुत ही सिंपल नुस्खे हैं और उस पर अमल करना जरूरी है। डिसिप्लिन और पेशेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक है जो आप में होनी चाहिए। एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच, एंड नमस्कार।